हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अत्याचारी बलवान, जिसका वध करने के लिए, जिसका वध करने के लिए जन्म कृष्ण भगवान। मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान, मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान। कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की, कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की। राजा उग्रसेन का बेटा कंस बाल हत्यारा, बहन देवकी के विवाह में आकाशवाणी सुनता, पुत्र आठवा देवकी का ही काल रूप बन जाएगा, तेरे पाप का घड़ा तोड़ कर तेरी मृत्यु बन जाएगा, तेरी मृत्यु बन जाएगा। कारागृह सारे पुत्र गिन गिन कर मारे मारे मानव जाति को। कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की, कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की। कंस के अत्याचारों से ऋषि मुनि जन सब घबराते, अपने पालनहार प्रभु की मन से पुकार लगाते, आजा प्रभु आजा, पालनहारे आजा, मेरे देवा आजा, जन जन के सहारे आजा, अब रक्षा करो हमारी श्री कृष्ण अवतारी, अब रक्षा करो हमारी श्री कृष्ण अवतारी। जगत के रक्षक कृष्ण जी कंस के सम्मुख आते हैं, सिंहासन से खींच के उसकी जीवन लीला मिटाते हैं। कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की, कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की, कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की, कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की। बिन बादल बिजली, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका आठवां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। चल बुड्ढे,
Thank you.
तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए, अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए। चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूं। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा, क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है।
इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा ना इनकार करेगा। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी आठवीं संतान है जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। गोकुल का कुछ समाचार मिला? बधाई हो महाराज, बधाई हो, हमारी चाल सफल हो गई। हाँ? अभी अभी गुप्तचर ने आकर यह सूचना दी है कि आज प्रातः ही कृष्ण को साथ लेकर अक्रूर वहां से चल पड़े। सुंदर, अति सुंदर। देखो मार्ग में ध्यान रखना, कहीं मार्ग में ही इधर उधर ना हो जाए। काका, काका वो आ रहा है। कौन? तारनहार। कौन तारनहार? हमारा तारनहार, देवकी का अष्टम पुत्र। सच? देवकी का अष्टम पुत्र? हाँ, अष्टम पुत्र कृष्ण, उसका नाम कृष्ण है। हमारा क्या सौभाग्य है कि आज उस अलौकिक छवि के अद्भुत दर्शन होंगे। ये सोच सोच कर ही मुझे रोमांच हो रहा है। अभी बस, अब बिक्री नहीं करूँगा। हाँ? दुकान बंद कर रहा हूँ मैं। क्यों? आज हमारे तारनहार आने वाले हैं, उनके दर्शनों के लिए चौक जा रहा हूँ। राजकुमार कृष्ण की जय, 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 राजकुमार कृष्ण की जय। आ गया। मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। ये क्या पागलपन कर रही हो? पागलपन नहीं, मैं उसे एक बार भराग देखने का प्रयास कर रही हूँ। जन्म से आज तक उसका मुख भी नहीं देखा, अब वो कंस भैया के पास जा रहा है, जाने वो क्या करेंगे। Oh, my God.
सारथी रथ रोको। एक दिन दुखी होकर मैं महामुनि गर्ग से यह पूछने गया कि किस पाप के कारण मुझे इस जीवन में यह काम दिया गया है कि अपनी जीविका कमाने के लिए मुझे प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर उस पापी कंस के गले में डालनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा था मेरे पाप कर्म समाप्त हो गए हैं और मेरा कोई पुण्य कर्म उदय होने वाला है। मैं इन्हीं हाथों से एक दिन जगत के तारणहार श्री कृष्ण के गले में फूलों की माला डालूंगा। आज उनका वचन सत्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु मेरा जन्म सफल हो गया। उठिए, आज से हम केवल तुम्हारे ही हाथों से बनी पुष्पमाला पहना करेंगे। चलो सारथी। छोड़ दे, तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है, हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, जो इतने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कहके उसकी हंसी उड़ा रहे हो। इसका लोग कुब्जा कहके उपहास करते हैं, परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कहके किया है। एक कुबड़ी शरीर कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है? हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूं। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता
प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती, ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं, तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी, फिर वही। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ, सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो, उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विश्वास करो सुंदरी, हमारे पास आ गई हो तो आप कंस के पास जाना नहीं होगा। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो, अब इसका सेवन हम करेंगे। कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूं। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूं। हाँ, यही सत्य है, कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। मैं जानती नहीं हूं कि तुम कौन हो, परंतु आत्मा के अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि ये चंदन, ये अंगराग तो क्या है पगली, अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पण कर दे, यही तेरा सर्वस्व है, यही तेरा सर्वस्व है, ले लो प्रभु ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। जी चाहता है आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं, जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूं, उसी प्रकार आज तुम्हारे अंगों को इस अंगराग से सुवासित कर दूं। चलो प्रभु, चलो मेरी कुटिया पर, चलो प्रभु, इस दासी को एक सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे महाराज क्या कहेंगे?
कहीं गर्दन काट दी तो? कौन महाराज, तुम्हें देखने के पश्चात तो अब मुझे ना कोई महाराज दिखाई देता है ना कोई और। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। एक प्रकाश ही प्रकाश है और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूं, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। आहा, कैसा भव्य धनुष है, क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है, इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख ले।
तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूँ। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूँ। अच्छा, प्रयास करो। ये बालक शिवधनुष उठाएगा। ये क्या उठाएगा? आज्ञा है प्रभु। यही तारणहार है। पकड़ लो इन दोनों को, भाग न जाए। सिपाहियों, पकड़ लो इनको। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। इसलिए आज ये निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही है। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूं, अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए।
इसी में आपका कल्याण है। वो परम दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे, और आज आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं, इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर, ले जाओ इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा। क्या हुआ? सुना है कल उत्सव की सभा में कृष्ण के प्राण संकट में है। किसने कहा तुमसे? इस तोषक ने। ये अपना दूध बेचकर मथुरा से अभी लौटा है। इसका कहना है कि महाराज कंस ने अपने पुरखों का जो धनुष उत्सव में पूजा के लिए रखा हुआ था, कृष्ण ने उसे तोड़ दिया है और कंस के बहुत से सैनिकों को भी मार डाला है। फिर क्या? सुना है कि महाराज कंस बहुत क्रोधित हैं। हर युवक काना की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गया है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं नंद बाबा। हमें आज्ञा दीजिए कि आज रात में मथुरा पहुंच जाएं और कल से अंग रक्षकों की तरह काना के साथ साथ रहेंगे, उसे कहीं अकेला नहीं जाने देंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने काना के पास भेज दीजिए मुझे अपने काना के पास। यशोदा माता, तुम चिंता ना करो। नंद बाबा, आप हमें जाने की आज्ञा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। तुम लोग जाओगे तो क्या तुम्हारे नंद बाबा पीछे रह जाएंगे? शाकाल, बैलों को रथ में जोड़ दो, हम भी जाएंगे। अभी अभी सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने यज्ञशाला में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया है। शिव धनुष को तोड़ दिया है? हाँ, और उसकी रक्षा के लिए जितने सैनिक थे उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया है। सारे नगर में कृष्ण की जय जयकार हो रही है, सबको विश्वास हो गया है कि यही हमारा तारणहार है। जिसकी सबको प्रतीक्षा थी वो आ गया है। इस बात का महाराज को पता चला? अवश्य चला होगा, परंतु आप चिंता मत करो, अब महाराज कुछ नहीं कर सकते, सारी जनता कृष्ण के साथ है। महाराज ने यदि उन्हें हाथ भी लगाया तो सारे नगर में बलवा हो जाएगा। पिलाओ इसे, सारी रात मदिरा पिला पिला कर मदमस्त कर दो इसे, ताकि सुबह हाँ
बस एक रात और उसे चैन से सो लेने दो। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सर्वजग पालक, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। प्रभु, आज ही वो दिन है जिस दिन नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के अनुसार इस महापापी राक्षस कंस की जीवन लीला समाप्त हो सकती है। इसलिए सब देवता आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो प्रण लेकर आपने ये अवतार धारण किया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए आज इस पापी का संहार अवश्य कर दीजिए। केवल इतनी ही प्रार्थना है। हे देवगण, हम जो प्रण करते हैं उसे कभी नहीं भूलते। उचित समय आने पर हम उसे अवश्य पूरा करते हैं। इसीलिए आप लोग चिंतित ना हो और कृपया अपने अपने धाम को पधारे। प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दिखाने का अवसर है, चूकना नहीं, जाओ।
तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं बाबा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये दृश्य देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। मैंने यशोदा मैया के हाथ का माखन खाया है बाबा, ये हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता था। अरे तुम सब भी आ गए? हाँ, हमें तोषक ने बताया था कि तुम्हारे प्राणों को मथुरा में संकट है, इसीलिए हम सब युवक चले आए। अब तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ये बहुत अच्छा किया, मुझे भी तुम सब की बड़ी याद आ रही थी। देखा, मैं कहता था ना, वो हम सबको बहुत याद करता होगा। बाबा, मैया कैसी है? वो तुझे बहुत याद करती है। मैं भी उसे बहुत याद करता हूं बाबा। बीड़ हाथी को मार डाला। नहीं, यह असंभव है, परंतु यह सत्य है महाराज। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी। अब क्या होगा? आप चिंता ना करें महाराज, आप चिंता ना करें। एक जानवर से बचना आसान है, परंतु वो हमारे इन वीर योद्धाओं से नहीं बच सकता। एक एक योद्धा 100-100 हाथियों का बल रखता है। भारी अपनी अपनी अंतर दृष्टि से
प्रभु मूर्ति तीन ऐसी निहारी भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूर्ति तीन ऐसी निहारी अतुलित बलवीर लगे शस्त्रन से अंग सुसज्जित हैं रणभीच खड़े रणधीर लगे नव युवतिन को काम अवतार प्रिय दर्शन काम शरीर लगे कर में देखे जो पुष्प बाण तो ही ये बदन के भीर लगे वत्सला दृष्टि से जो देखे छोटे से रस खान लगे मुरलीधर मन मोहन बालक अपने ही जीवन प्राण लगे श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण भक्तों को कृपा निधान लगे त्रिलोक भूप अभिनव अनूप भगवत स्वरूप भगवान लगे खल कामी कंस को हर में दे जमराज दिखाई काल कराल महाविकराल गदा लिए हाथ खड़े हरि राई कंस में है जदुवंश में धर्म और पाप की आज लड़ाई कृष्ण और कंस में है जदुवंश में धर्म और पाप की आज लड़ाई पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है राजन ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं कुछ मांगने आते हैं परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहां आने का न्योता भेजा था ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो यह उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें वाह तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राजमर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है नहीं राजन हमें राजमर्यादा का भी ज्ञान है और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं इसे स्वीकार करें राजन कहते हैं वीरता इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं और यहां बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे
कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी चार चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और उसके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। आज तो हम मथुरा का उत्सव देखने आए हैं राजन, कुछ दिखाने नहीं आए। किसी दूसरे अवसर पर आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। इससे अच्छा कोई दूसरा अवसर कब आएगा? देश विदेश से इतने लोग फिर कब इकट्ठा होंगे? आज हम इन सब के सामने मल्ल युद्ध में अपना अपना पराक्रम थोड़ा दिखा दें तो दर्शक लोग कितना आनंद लेंगे। सोच रहे हो लल्ला, ये ग्वालनों के साथ ताली बजा के थिरकने की बात नहीं, वीरों की सभा में मल्ल युद्ध करना है। भय के मारे तुम्हारी तो जीभ ही सूख गई है। वीर वो होता है जो ताल ठोकर सामने आ जाता है, या फिर तोशाल ठीक कहता है, तुम्हारी बहादुरी के वो सारे चर्चे केवल एक ढकोसला है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे भी तुमने जितने कारनामे किए हैं सब जंगलों में छुप कर किए हैं, उन भोले भाले देहातियों के सिवा वो कारनामे किसने देखे हैं? जब वीरों की सभा में शक्ति दिखाने का समय आया है तो तुम्हारी जैसे घिघी बन गई है। हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने पर एक वीर को अपनी ताल ठोक कर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा दो बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर एक चौथाई भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहां पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। कृष्ण ठीक कहते हैं, यह लड़ाई उचित नहीं। एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है। यह अन्याय है। ये कदाचित अन्याय नहीं है, वीरता की कोई आयु नहीं होती। सांप यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है। इसलिए यदि ये अपने आप को परम वीर योद्धा कहने का दावा करता है तो इसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। यह सरासर अनुचित है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज,
महाराज, आपकी आंखों के सामने यह अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जो हो रहा है वो युक्तिसंगत है, अन्याय नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसने बकासुर और आधासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो, जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। और हम एक वीर का अपमान करना नहीं चाहते। यहां बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है, और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। महाराज कंस, यह अन्याय ही नहीं अत्याचार भी है, और मैं और मेरे यादव वीर अपने जीते जी यह अत्याचार होने नहीं देंगे। हाँ। अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल दीजिए, इनकी आवश्यकता नहीं है। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए। Thank you.
से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। को झुकने के लिए कह रहा है इस महाबली कंस को। मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है,
तो आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी?
Thank you.
की महापापी के अंत की कहानी कंस वध की महापापी के अंत की।